जब आपके घर एक बेबी जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद कैसे समझा जाए कि बेबी नॉर्मल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को देखें, समझें, ताकि आप भी समझ सके कि किस तरीके से बेबी की नॉर्मलसी को चेक किया जाता है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब पॉम चैनल। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी केयर और पोस्टमार्टम केयर पर हम आपसे ढेर सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं और आप सभी के इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। आशा है आप सभी को उसका काफी लाभ मिल रहा है। आज कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया जानने वाले हैं कि जन्म के बाद कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि बेबी आपका नॉर्मल है या फिर नहीं। तो कुछ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं बच्चे में। स्पॉन्टेनियस मतलब बिल्कुल आप टच नहीं कर रहे हो, बेबी आपके सामने है और उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। बेबी में सबसे पहले आई मूवमेंट, जन्म लेते ही कुछ घंटे बाद बच्चा आई मूवमेंट करता है। एंड सेकेंड चीज है उसकी सांस लेने की गति, सांस लेने का तरीका, वो भी आप देख पाते हैं। तो वो अगर नॉर्मल है, सांस को कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, कम से कम 60 सेकेंड एक मिनट तक आपको ऑब्जर्व करना है। और सांस की एक साइकिल होती है कि जब सीने के बीचों बीच एक बार दबाव आता है और एक बार फुलाव आता है, वो एक साइकिल होती है। तो प्रति मिनट 60 बार 60 टाइम्स बच्चा ब्रेथ ले सकता है। इसके अलावा बच्चे का टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो बच्चे के अंग के बीच में अगर थर्मामीटर रखते हैं तो वो टेम्परेचर बच्चे के आर्म्स के नीचे जब थर्मामीटर लगा के चेक किया जाता है तो उसमें आधा डिग्री का फर्क आता है। तो जनरली टेम्परेचर रेंज 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आ जाता है। इसके बाद बच्चे की हार्ट रेट की बात आती है, तो हार्ट रेट सोते समय, रोते समय और जागते समय थोड़ा वेरी करती है। रोते समय 180 बीट्स पर मिनट हो सकती है, सोते समय 100 हो सकता है, और बच्चा जब जगा हुआ है नॉर्मल है तब 120 के आसपास हो सकता है। इसके बाद CRT टेस्ट किया जाता है। CRT टेस्ट में सिंपली आप बच्चे की बॉडी पर, एब्डोमेन पर भी प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद आप फिंगर जैसे हटाते हैं तो वहाँ जो वाइटनेस आ जाता है वो 3 सेकेंड के अंदर अगर वापस से रेड हो जाता है तो ये बिल्कुल सही माना जाता है। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बच्चे के पास में आप क्लैप करते हैं और बच्चा रिस्पॉन्स लेता है, अपने आर्म्स को मूव करता है। इसके बाद पैर के तलवों में जब आप नीचे से ऊपर तक इस तरीके से अपने अंगूठे को घुमाते हैं, मूव कराते हैं, तो बच्चे के टोज मूव करते हैं और रिएक्शन देता है, रिफ्लेक्सेस देता है बच्चा, तो ये भी एक सही साइन है। बच्चा अगर अच्छे से रो रहा है तो ये भी एक सही साइन है कि आपका नवजात पूरी तरीके से स्वस्थ है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए नई होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।